ओके सो अभी जो टेस्ट हम लोग देखेंगे ये है, यहाँ पे एक येलो कलर लाइट जो अलर्ट दिखा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, फ्यूल कम है इसलिए आ रहा है। सो बेसिकली इसमें जो है हमने अभी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो देखते हैं कि अपना जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो प्रॉब्लम था, तो पहले क्या होता था ट्रैक्शन कंट्रोल का प्रॉब्लम ये था कि आप इवन दो उसको ऑफ करते हो, करने के बाद जब आप चलाते रहते हो फिर उसके बाद अगर इंजन स्टॉल हो गया या फिर कैसे भी करके आपका बाइक बंद हो गया या फिर यहाँ से आप अगर ये स्विच ऑफ कर दिया तब बंद हो गया, तब फिर वापस जो है ट्रैक्शन कंट्रोल बैक टू ऑन हो जाता है। अब देखो अगर आप चाबी बंद कर देते हो या फिर यहाँ से बंद करते हो एंड उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होता है तब चलेगा फिर भी, लेकिन कभी कभी स्टॉल हो जाता है अगर उसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है फिर तो प्रॉब्लम है। जैसे आप हिल क्लाइंब कर रहे हो एंड यू वांट दैट कि ट्रैक्शन कंट्रोल हैज़ टू बी स्विच्ड ऑफ, और आप ऑफ करते हो एंड देन कहीं पे इंजन स्टॉल हो गया, फिर अचानक से आप राइड करने के लिए शुरू करते हो एंड देन ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाता है, फिर तो वो डेंजरस है। तो आप देखते हैं कि वो वाला प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हुआ है कि नहीं। सो अभी जो है इंजन की जो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑन है, सो मैं इसको जो है अभी ऑफ़ करूँगा। तो ऑफ़ करने के लिए मुझे सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल पे जाना पड़ेगा, यहाँ रुकते हैं और करते हैं। सो ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑन नाउ, MTC को गया मैं एंड यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने से ये जो है ऑफ हो जाएगा, रिलीज बटन। ओके सो अब देखो कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो ऑफ हो गया, यहाँ पे भी ट्रैक्शन कंट्रोल की ये लाइट जल रहा है, ये ऑफ होने के बाद ये लाइट जलता है। सो यहाँ देखो ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो अभी जो है पहला चीज़ मैं ये करूँगा कि इसको जो है चला के थोड़ा स्टॉल करते हैं, देखते हैं। जैसे ये चला, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है एंड यहाँ पे जो है मैं बाइक को स्टॉल करता हूँ, मतलब क्लच छोड़ देता हूँ बेसिकली। ये देखिए छोड़ दिया मैंने, अभी तक ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ऑफ ही है, ठीक है। सो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओह शिट, फिर से ऑन हो गया यार, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। शिट, तो स्टॉल होने से फिर से ऑन हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके और एक अटेम्प्ट लेते हैं। सो इसको क्या करेंगे ना, हम ऑफ करेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करते हैं। ये ऑफ हो गया, अब इसमें एक बार ये चाबी बंद करते हैं, ठीक है, एंड चाबी को फिर से ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है स्टेटस। आई थिंक ऑन हो जाएगा, हाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंजन की ये जो किल स्विच को ऑफ रखा हूँ, अब ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करते हैं। MTC ये मैंने ऑफ कर दिया, अब जो है मैं ये किल स्विच ऑन करता हूँ एंड देन स्टार्ट कर दिया, तो करने से जो है MTC फिर से दोबारा ऑन हो गया। ओके सो अभी जो है इंजन स्टार्ट में है, न्यूट्रल में है, अभी देखता हूँ कि एक बार ऑफ करके ऑफ होता है कि नहीं। सो अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है, अभी ये स्विच को ऑफ करते हैं, देखते हैं, फिर से ऑन करते हैं। ओके सो नाउ द ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ, लेट्स सी। ओह स्टार्ट करते ही फिर से ऑन हो गया, कोई काम का नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। सो सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट कर दिया लेकिन उसके बाद भी जो है ट्रैक्शन कंट्रोल की प्रॉब्लम अभी भी है, मतलब गाड़ी चलते ही वो ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो आई थिंक KTM यू हैव टू गेट अ फिक्स फॉर दिस, कि अगर हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल खुद से ऑफ कर रहे हैं, सो अनलेस एंड अंटिल हम लोग चाबी बंद नहीं कर रहे हैं, इट हैज़ टू स्टे ऑफ ओनली, क्योंकि जो ऑफ किया है अब ट्रैक के बीच में है या फिर मतलब जो आप बोलते हैं ऑफ रोड के बीच में है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल उसने ऑफ किया है, आप सडनली ऑटोमेटिकली अगर ऑन कर लोगे तो डेंजरस है, पता भी नहीं चलेगा ऑन हो गया और डेंजर है, वो नहीं करना है, ठीक है।